हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका सामना हर औरत को करना पड़ता है। तो हमारा टॉपिक है पीरियड, यानी कि मासिक धर्म। तो इसका छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जिसको करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपका पेट दर्द और कमर दर्द भी दूर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महीने के वो 5 दिन काफ़ी कष्टकारी होते हैं। हालांकि ये एक शारीरिक चक्र है जिसका सामना सभी को करना ही पड़ता है, और अगर ये नियमित रूप से नहीं हुआ तभी भी हमें दूसरी कई समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। पीरियड का दर्द हर महिला के लिए अलग होता है। इसमें ना केवल पेट दर्द होता है बल्कि पीठ दर्द, पैर दर्द और कमर दर्द भी बहुत होता है। आजकल का जो हमारा खान पान है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उस सब से हम और ज़्यादा पीरियड से हमें जूझना पड़ता है। तो बाज़ार में भी कई ऐसे चीज़ें आती हैं, ऐसी दवाइयां आती हैं जिससे हमें पीरियड में बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स के डर से हम वो दवाइयां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी औषधि की जिसके बारे में सभी लोग जानते, तो वो औषधि है तुलसी। यानी कि तुलसी एक बेहतरीन नेचुरल पेन किलर है जिसे पीरियड के दर्द में बेझिझक ले सकते हैं। इसमें मौजूद कैफिक एसिड दर्द में आराम पहुंचाता है। ऐसे में दर्द के समय तुलसी के पत्तों को चाय में मिलाकर पीने से भी काफ़ी आराम मिलता है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो अब आधा कप पानी में तुलसी के साथ अटपटे डालकर उबाल लें, फिर उनको छान कर उनका सेवन में करें। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और सेकंड हम आते हैं अदरक पर। अदरक के भी काफ़ी फायदे होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीरियड में दर्द के दौरान अदरक का सेवन भी तुरंत राहत पहुंचाता है। 1 कप पानी में अदरक के टुकड़ों को बारीक काटकर उबाल लें, चाहे तो इसमें स्वाद अनुसार नमक भी मिलाएं। दिन में 3 बार भोजन करने के बाद आपको इसका सेवन करना है। इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अदरक तुलसी से बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहें तो अदरक तुलसी की चाय भी बनाकर पी सकते हैं। और थर्ड हम आते हैं पपीते पर। पपीता कोई नहीं ज़्यादा जानता है, लेकिन पपीता हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कई बार पीरियड के दौरान फ्लो ठीक तरह से ना होने के कारण भी महिलाओं को अधिक दर्द होता है। ऐसे में पपीता का सेवन एक बार बेहतरीन विकल्प है। इसके सेवन से पीरियड के दर्द, जो हमारा फ्लो ठीक तरह से नहीं होता है, तो हमारा फ्लो ठीक होने लगता है और दर्द भी हमें बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और फोर्थ हम आते हैं गर्म पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। या सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, गर्मी हो, सर्दी, कोई भी मौसम हो, गर्म पानी पीजिए। अब आपको कभी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तो पीरियड के दर्द से राहत पाने के लिए हम गर्म पानी की थैली को कमर पर सेक लें, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। और अगर आपको हल्की पेट की मसाज करनी है तो आप तिल का तेल ले लीजिए और पेट के निचले हिस्से पर तिल के तेल से अच्छे से मालिश कीजिए और फिर उसको अच्छे से पूरा कवर कर लीजिए। तो इससे आपको कमर दर्द, पेट दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। तो ऐसी कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं, जो हमारे किचन में ही चीज़ें होती हैं। तो ऐसे घरेलू उपाय आप ज़रूर अपनाइएगा और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।